हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सभी रैली होप मेरे सारे फ्रेंड्स फैमिली बहुत अच्छे होंगे तो आज सुबह सुबह उठ के और चाय वाय पी के मैं लग चुकी हूँ अपने काम में और यहाँ पे जो भी मेरे कपड़े हैं जो मुझे लग रहा है कि मैं अभी नहीं पहन रही उन सभी को मैं साइड कर रही हूँ और जो लग रहा है कि पहनने वाला है या फिर मैं कभी कभी पहनती हूँ कभी होता है कभी जो कपड़े मैं जाने आने में पहनती हूँ जैसे कहीं जाती आती हूँ ना तो पहनती हूँ तो वो सारे कपड़े को मैं अलग करके रखूँगी तो इसी तरीके से इतना सारा काम इतना सारा काम कभी कभी तो आप काम से जो है ना परेशान हो जाइएगा लेकिन दुर्गा पूजा है ना तो उसके वजह से मुझे घर की पूरी साफ सफाई जो है ना वो करना ही था तो मैं बस उसी में लग गई हूँ पूरे घर की साफ़ सफाई करने में तो चलिए आप लोग के साथ आज का वे ब्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ क्लीनिंग से ही आज का ब्लॉग जो है वो मैं शुरुआत कर रही हूँ तो आ, आज जो है जैसे कि जो भी कपड़े हैं ना जो जहाँ पे कपड़े रखने वाले हैं जैसे कि मेरे कभी भी कहीं से आती थी ना तो वहीं पे कपड़े रख देती थी अलमीरा का हालत इतना ज़्यादा बुरा है मैं आपको अभी दिखाती हूँ जैसे ही मैं कपड़े खोली मतलब अलमीरा खोली ना पूरा कपड़े गिरने लगे इतनी बुरी हालत अलमीरा का था तो वो सारे कुछ को भी मैं ठीक करूँगी लेकिन देखिए काम तो बहुत है लेकिन सब कुछ मैं ब्लॉग में नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को तो वैसे भी आ, बहुत लोग ऐसे हैं जो स्किप कर करके वीडियो देखते हैं पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो उतना वीडियो देख मतलब कि आप लोग को फिर शूट करूँ फिर एडिट करूँ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसीलिए ना आप लोग से मैं थोड़ा थोड़ा ही आ, मतलब शेयर कर रही हूँ तो यहाँ पे जो भी मेरे ऐसे कपड़े हैं जो मैं कहीं जाती आती हूँ ट्रैवलिंग में तो लेके जाती हूँ कपड़े उन सारे कपड़े को मैं अलग रख दूँगी क्योंकि फ़िलहाल अभी मुझे कहीं भी नहीं जाना है और अभी मेरा बहुत टाइम है दिवाली छठ दिवाली में तो मैं कहीं जाऊँगी नहीं दिवाली में तो यही रहूँगी छठ पूजा में मैं अपने ससुराल जाती हूँ तो वहाँ जाना होगा तभी मैं अपने कपड़े उपड़े मतलब निकालूँगी वहाँ के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं वहाँ के लिए बस दो तीन सूट रख लेती हूँ और साड़ियाँ रख लेती हूँ सारी तो वैसे वहाँ पर रह tá aí hein? तो अभी मेरा टाइम है कहीं जाने का तो इस वजह से मैं सारे कपड़े को जो है रख देती हूँ तो ये सारे कपड़े मेरे अभी कुछ कपड़े मैंने फ़िलहाल ही लिया था और कुछ कपड़े जो था पहले के भी कपड़े सब थे तो ऐसे कार्टून में करके रखती हूँ ना तो एक साथ रहते और मिल भी जाता है मुझे तो बिखरता नहीं है तो मैं ज़्यादा पैसे ऑर्गनाइजेसर के पीछे जैसे होता है ना बहुत लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ लेते हैं बैग वैग लेते हैं मैं तो ज़्यादा पैसे उसके पीछे नुकसान नहीं करती हूँ मेरे पास कार्टून आते ही रहता है ऑनलाइन मैं जो भी सामान लेती हूँ तो इस तरीके से मैं उसमें कपड़े जो है ना डाल और अलमीरा में रख देती हूँ तो आज का ब्लॉग कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा और आज के ब्लॉग में मैंने बहुत काम किया ब्लॉग में ही नहीं मैंने रियल में भी काम किया है तो मैंने कहा जब काम इतना सारा काम है तो क्यों ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए और यहाँ पे पति देवता से बातें भी चल रही थी कि उनसे ऐसे उनसे पता ही है, आप सभी को उनका काम जो है वो उतना ज़्यादा ब्लॉग में नहीं आ पाते आप लोग भी कहते हैं कि दीदी आप जीजू को ब्लॉग में क्यों नहीं लेके आती हैं तो प्रॉब्लम यही है कि उनको ज़्यादा ब्लॉग में आना अच्छा भी नहीं लगता और उनके पास इतना वक्त भी नहीं रहता है आ, कि वो हमेशा ऑल टाइम मेरे आ, में आए तो इसमें मेरा कपड़ा जो है ना ट्रैवलिंग में जब भी कहीं जाती होती हूँ तो इसमें मेरा कपड़ा रहता है तो सारे कपड़े को मैं इसमें रख दी हूँ और यहाँ रिशांक मेरी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर रहा है जैसे मैं उसको कोई सामान दे रही हूँ ना कि बेटा ये सामान ले जाओ ये सामान वहाँ रख दो वो सामान वहाँ रख दो तो वो वैसे करके रख भी दे रहा है तो अभी तो जैसे धोना पोछना मैं नहीं कर रही हूँ बस ऐसे क्लीन कर दे रही हूँ घर जैसे नवरात्रि है दुर्गा पूजा है माता रानी आने वाली है तो इस वजह से घर का जो जाला उला है वो सब मैं साफ़ कर दे रही हूँ और थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दे रही हूँ जिससे कि घर साफ़ सुथरा हो जाए वरना दिवाली का साफ़ सफ़ाई नवरात्रि ख़त्म होने के बाद ही आ, मैं स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है अकेले सब कुछ मैनेज करना घर संभालना बच्चे संभालना उसमें रिशां का स्कूल भी रहेगा तो मैं सोच रही हूँ एक एक दिन करके मैं ना काम ना बांट लूँगी कि आज मुझे ये करना है आज मुझे वो करना है तो जिससे कि मेरा काम जो है ना बहुत जल्दी हो जाएगा और मुझे टाइम भी नहीं लगेगा तो ये तो है आज का दुर्गा पूजा का क्लिनिक का

हो रहा है मेरा और दुर्गा पूजा ख़त्म होने के कुछ दिन के बाद में दो चार दिन के बाद में ही मैं दिवाली की साफ़ सफाई जो है ना शुरू कर दूंगी दुर्गा पूजा ख़त्म होते ही आ, क्योंकि आ, अकेले ही करना है और बहुत काम रहता है घर में डेली पर्पज़ पे भी होता है तो बहुत सारे काम रहता है और क, बिना किसी के मदद के करना अकेले करना तो बहुत ज़्यादा वक्त जो है ना वो लग जाता है तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दिवाली से एक हफ़्ते पहले मेरे घर की पूरी साफ़ सफाई हो जाए उसके बाद मैं आप लोग के साथ डेकोरेशन शेयर करूंगी आप लोग बोलते हैं कि आप ज्यादा वाल में वाल पे आप कुछ अच्छे अच्छे डेकोरेटिव पीस लगाया करो आपका वाइट कलर का वाल है तो मैं लगाऊंगी मैंने दिवाली का ही वेट कर रही हूँ मैंने बहुत कुछ मंगवाई हूँ धीरे धीरे ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो दिवाली का जो मैं शॉपिंग करूँगी ना वो भी शेयर करूंगी तो कल तो नवरात्रि का सुबह सुबह हम लोग को उठना है पूजा करना है अच्छा मैंने आपको दिन तो बताया ही नहीं कि आज दिन कौन सा है तो आज दिन है संडे और आज का ही ये ब्लॉग है और आज ही जो ये ब्लॉग है ना मैं शेयर करूँगी सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने क्लीनिंग का ही काम किया जैसे चाय वाय पी ली हस्बैंड भी वह पी लिया उसके बाद में फटाफट क्लीनिंग का काम की हूं आज ब्रेकफास्ट में ना दही चूड़ा चलेगा दही चूड़ा जो लोग बिहार के हैं उन लोग को तो टेस्ट पता ही होगा तो आज का है ना दही चूड़ा का प्लानिंग है ब्रेकफास्ट का क्योंकि इतना सारा काम है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दही चूड़ा ही ब्रेकफास्ट में कर देती हूँ लंच में आ, दाल चावल बना लूँगी ऐसे ही करूँगी तो अभी यहाँ पर जो है जो भी कपड़े वपड़े वो सारे कपड़े को मैं ठीक कर देती हूँ और थोड़ा सा भी कपड़ा करो ना पूरा कपड़े ना इधर सुधर ना फैल जाता है तो बस वही जाला वाला जो है वो सब साफ़ कर लूँगी पूरे घर का वैसे भी घर में जाला रखना ना अच्छा नहीं होता है बहुत लोग कहते हैं जाला रखने से मतलब घर में अगर जाला होता है ना मकरे का जाला तो कर्ज बहुत ज़्यादा होता है ऐसा कहा जाता है तो मैं नहीं मेरे पास तो <laughs> मैं क्या बताऊँ आप लोगों को मैं तो खुद ही इतनी टेंशन में रहती हूँ तो मैं घर में जाला वाला बिल्कुल थोड़ा सा भी अभी जालावर तो मैं खुद ही साफ़ कर लेती हूँ तो ये सब देख सकते हैं साफ़ सुथरा हो चुका और घर जब आप साफ़ कर लीजिएगा तो घर का रौनक ही कुछ अलग ही दिखने लगता है वैसे मेरा घर ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा ही रहता है लेकिन दुर्गा पूजा का साफ सफाई करना था इस वजह से मैंने साफ सफाई किया किचन का मैं सोच रही थी कि किचन का करूँगी करूँगी किचन का ऊपर वाला सेल्फ जो था ना थोड़ा बिखरा हुआ था तो उन सभी को मुझे ठीक करना है मैं तो फिर इसके ऊपर चढ़ गई स्लैब के ऊपर और अपना पूरा अच्छे से साफ सफ़ाई जो है वो कर ली हूँ तो ऊपर वाला जो स्लैब है ना उसका सामान देख सकते हैं किस तरीके से बिखरा हुआ था तो मैं सोच सोची थी कि सामान बिखर गया तो मैं इन सारे सामान को अच्छे से जो है सेट कर दूंगी क्योंकि बाहर से बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता था नॉन मॉडुलर किचन में यही है कि आपको सब कुछ परफेक्ट तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना होता है नहीं तो क्या होता है ना कि अच्छा नहीं दिखता तो फिर अच्छा नहीं लगता है तो इसीलिए सभी को मैं सेट कर दूंगी अच्छे से उसका सेकेंड वाले स्लेब को भी सेट कर दूँगी का जो ये बेडशीट है ना इसको भी मुझे चेंज करना आता ये वाला बेडशीट मुझे बहुत अच्छा लगता है हल्का सा कलर है ना एकदम लाइट कलर है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है निशान कुछ भी खाता है तो इसके ऊपर गिरा देता है और ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और मुझे बहुत जल्दी धोना पड़ता है अगर मैं दूसरे कलर का बेडशीट लगाती हूँ ना तो मैं आराम से धोती हूँ कोई टेंसन नहीं होता है लेकिन इस कलर का बेडशीट लगाती हूँ ना तो बहुत जल्दी मतलब दो से तीन दिन के बाद मुझे इसको धोना ही है ये परफेक्ट मतलब कि ये तो निश्चित है दो तीन दिन के बाद मुझे इसको धोना होता है क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है उसके बाद ये सब यी हूँ सेट वेट उस रूम में बेडशीट भी मैं ठीक कर लूँगी उसके बाद ये जूता चप्पल जो है ना वो रखने के लिए ये मैं यहाँ पे रख लेती हूँ तो मैं सोच रही हूँ एक जूता चप्पल रखने के लिए ना एक ना रैक ले लेती हूँ रैक आता है ना वो ले, ले लेती हूँ मैं यही सोच रही हूँ आप लोग बताइएगा कि ये ठीक है कि मैं रैक ले लूँ उसके बाद यहाँ पर झाड़ू वाड़ू जो है वो झाड़ू वाड़ू मारने का सिलसिला कर लूँगी साफ़ सफ़ाई पूरा क्योंकि देखिए ज़रूरत नहीं है कि हम घर का ही साफ़ सफ़ाई सिर्फ अंदर का ही साफ़ सफ़ाई करना ज़रूरी नहीं है हमें अपनी मेन गेट का भी जो होता है ना जो मेन गेट का दरवाज़ा होता है उसे भी हमें वहाँ भी हमें साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए ऐसे मॉर्निंग में तो मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ लेकिन ये इतना बालू जो देखने को मिल रहा है ना वो चप्पल जूते का जो बालू है ना वो मैं सब झा हूँ ना तो वही बालू जो है निकला है इसके बाद मैं रूम में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में पोछा लगा लूँगी तब जाके मुझे ना तसली होगा झाड़ू पोछा लगाने के बाद लगेगा कि हाँ भाई तसली है उस वाले रूम में भी मैंने बेडशीट चेंज कर लिया है क्योंकि इतना जाला वाला मैं गिरा मतलब झारी थी ना तो पूरा गिर गया था तो इस वजह से पूरा बेडशीट जो है वो मैं आ, क्लीन करके और चेंज कर ली हूँ बेडशीट को बाकी सारे कपड़े को धोने के लिए मशीन में लगा दूँगी तो देखिए काम तो बहुत था लेकिन सब कुछ ब्लॉग में दिखाना ये पॉसिबल नहीं है मेन बात यही है और यहाँ पर मैं काम भी कर रही थी और अपने पति देवता से ना बातें भी कर रही थी और आप लोग को भी कहेंगी कहूँगी प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए मुझे आप लोग के कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और पता भी रहता है कौन कौन हमारी वीडियो देख रहा है कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं सो so, हम जरूर हम लोग के साथ शेयर कीजिएगा अपने कमेंट और बताइएगा ज़रूर कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं एंड करूँगी और आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में सो so, कल तो ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि ब्लॉग कोई शूट ही नहीं था तो क्या आएगा ब्लॉग शूट रहता है तभी तो ब्लॉग डालता है ना लेकिन ब्लॉग शूट नहीं था तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में और अभी तो झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी पोछा लगा लूंगी इसके बाद नया ब्लॉग जो है वो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी तो कहीं बाय बाय दोस्तों टेक केयर अपना ध्यान रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा ऐसे आप लोग के लिए नया नया ब्लॉग जो है वो मैं लेते आऊँगी और मेरा चेहरे का जो एक्सप्रेशन है ना उसको ना थोड़ा इग्नोर कीजिए क्योंकि अभी मैं बहुत बेहालत में उतनी गर्मी लग रही थी ना काम वाम कीजिएगा ना तो बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लगेगा ही तो मेरा हाल बहुत बेहाल था मेरा फेस का रिएक्ट देख सकते हैं बहुत बेकार फेस लग रहा है तो अभी साफ़ सफाई में ना मैं जब लग जाती हूँ ना तो फिर ध्यान नहीं देती हूँ ये भी नहीं लगा कि ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो थोड़े थोड़ा सा अपना फेस वेस ठीक कर लूँ पर वो भी ध्यान नहीं पड़ा तो यहाँ पे हस्बैंड से बस बातें कर रही थी और काम कर रही थी तो तक लिए बाय बाय दोस्तों टेक केयर अपना ध्यान रखिएगा ख्याल रखिएगा जल्दी से लेके आऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग तो तक लिए बाय बाय लव यू टेक केयर एंड हैप्पी दुर्गा पूजा